एक तरफ जहां शासन पीने के पानी के लिए पर्याप्त सुविधाओं को देने की बात कर रही है, वही शासन सागर जिले के घोघरी गांव में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की समस्या है ये गांव में। 3-3 बजे रात से उठ के बिल्कुल भागो, नल पे नंबर लगाया, 12 बजे नंबर मिले, पानी मिले। घर में ढोर बछेरू बच्चों को स्कूल जाने से टिफिन टाइम पे नहीं बना पाते, सूखी बना कर आकर पानी के मारे। शासन की जल संसाधन आपूर्ति नियत के तहत प्रत्येक परिवार में को 40 लीटर पानी पीने का पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन सागर जिले के घोघरी गांव में 250 परिवार निवास करते हैं और पीने का पानी के नाम पर इस 2 हैंडपंप हैं जिनसे पर्याप्त पानी नहीं निकलता है, जिसके कारण गांव की महिलाओं को रात 4 बजे से उठकर पानी भरना पड़ता है। घोघरी में जो पानी की समस्या थी उसमें आपने ये मुद्दा, इस मुद्दे को उठाया था, आपने मेहनत की थी इसमें, ये बात आपने जनपद हम सदस्य होने के नाते आपने हमारे लिए रखी थी और इसमें हमने इस बात को जनपद में आगे बढ़ाया था। तो जो हमारी मैडम थी सीईओ उस समय, मैडम ने उसमें सहयोग करके आपके हैंडपंप का खनन किया और वहाँ पर जो वास्तव में एक समस्या थी पानी की उसको हल हो गई है, वर्तमान में जनता को उसका लाभ मिल रहा है। आपकी समस्या कैसे हल हुई? राम सखी बुलाई गांव में, गांव की पूरी हाल चाल बताए कि गांव में बहुत पानी की परेशानी है। सचिव सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच कुछ जवाब नहीं देता पानी के बारे में। राम सखी ने बोली के वीडियो बनवा के, और हम लोग वीडियो बनवा के सीओ मैडम के पास गए, इस आवेदन लिखवा के, और सीओ मैडम को बताए कि गांव में इतनी इतनी परेशानी हो, हम सारे लोग 3 बजे रात से पानी भरने जाते। सीओ मैडम ने बोली कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके गांव में निर्मल नील कुआ या हैंडपम्प हो जाए है, उसमें मोटर पाइप पूरे गांव में हो जाए हैं, देखिए 3 महीना बाद हैंडपम्प लगा। ये सब आपका प्रयास रहा है कि जो आपने इस मुद्दे को हम तक पहुंचाया और हम इसको जनपद तक ले गए, उसमें शासन के से आपको इसमें लाभ दिला के और आपका ये खनन हो गया और इसमें पानी की उपलब्धता हो गई और जनता को इसका लाभ मिल रहा है। मैं रामसा की अहरबार, ग्राम घोघरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।